बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पूरी देखेंगे तो आपको कंप्लीट मालूम पड़ेगा कि चेकलिस्ट फॉर प्लास्टर बिफोर प्लास्टर, चेकलिस्ट फॉर प्लास्टर, प्लास्टर के लिए चेकलिस्ट क्या है। जैसा कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं या फिर आप अच्छी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चेकलिस्ट दिया जाएगा, वहाँ पे चेकलिस्ट दिया जाएगा कंपनी का, कंपनी के आप अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो कंपनी के पैटर्न में क्या क्या रहेगा, क्या क्या डिटेल्स रहेगा, बताता हूँ इस वीडियो पर, बने रहिए इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। बिफोर प्लास्टर, प्लास्टर होने से पहले आपको किन चीज़ों पर आपको तवज्जो देना है, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वाज द मटेरियल टू बी यूज इन प्लास्टर टेस्टेड और अप्रूव्ड। जो भी मटेरियल आएगा प्लास्टर के लिए, जो भी इसके अंदर मटेरियल यूज़ होता है, जैसा कि सीमेंट आती है तो सीमेंट को हम चेक करना चाहिए बिफोर प्लास्टर, सीमेंट क्या है, एक्सपायर की है क्या नहीं है। और दूसरा जो मटेरियल शुरू होता है, सैंड रहेगा, सैंड क्वालिटी है क्या नहीं है, क्या उसके अंदर सॉइल है, क्या उसके अंदर क्ले है, ये सब चीज़ें हमें चेक करना है बिफोर प्लास्टर। ये सभी मटेरियल को हम चेक करना है, उसके अंदर जो करनी रहेगा और प्लम्बअप रहेगा कि सभी है, मटेरियल जो सही है क्या नहीं है चेक करना होगा विद हेल्प ऑफ दी, जो आपके सीनियर इंजीनियर हैं उनसे आप परमिशन लेंगे, आपके सीनियर इंजीनियर चेक कर लेंगे, वहाँ पर अप्रूव है, इट्स ओके। अगर वहाँ पे आपके सीनियर इंजीनियर नहीं हैं, वहाँ पे आप ओनली आप हैं, तो आपको वहाँ पे सब चीज़ों को देख के सीमेंट और जैसा कि सैंड बोला हूँ, जो भी चीज़ें हैं फाइन एग्रीगेट सबको टेस्ट होने के बाद उसका अप्रूव हुआ, मटेरियल अगर ठीक है तो उसको अप्रूव कर देंगे। डेट इज़ फर्स्ट पॉइंट, प्लास्टर होने से पहले मटेरियल चेकिंग, डेट इज़ फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, सरफेस ओवर विच प्लास्टर इज़ टू बी डन हैज टू बी क्लीन। जो भी हम सरफेस पे हम प्लास्टर करते हैं, जैसा कि हम ब्रिक वर्क रहेगा या फिर हमारा क्या बोलते हैं, ब्रिक वर्क का सरफेस रहेगा या फिर ब्लॉक वर्क का सरफेस रहेगा, वो सरफेस क्या है, एकदम क्लीन रहना चाहिए। प्लास्टर होने से पहले इट शुड फ्री फ्रॉम दी डस्ट से क्या है, वो फ्री फ्रॉम रहना चाहिए, एकदम क्लीन, एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए, डेट इज़ सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, ऑल कॉन्क्रीट सरफेस वेयर हैक प्रॉपरली बिफोर प्लास्टर। जो भी वहाँ पे कॉन्क्रीट वर्क रहेगा, जैसा कि कॉलम रहेगा, ये समझिए कॉलम है, जैसा कि यहाँ पे बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, समझ लीजिए ये वाला कॉलम है, तो कॉलम को क्या करना है, ये वाला कॉलम है, प्लास्टर करने से पहले इसको हैकिंग करना चाहिए, इस तरह से हैकिंग विद द हेल्प ऑफ दी जो वहाँ पे हथौड़ी होती है ना, हैमर, विद द हेल्प ऑफ दी हैमर, नोकीला जो हैमर होता है उससे आप क्या कर सकते हो, हैकिंग कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दी ब्लेड से भी आप हैकिंग कर सकते हैं, आपको हैकिंग करना चाहिए, अच्छे से हैकिंग करना चाहिए। वन स्क्वायर फिट में 60 to 80 इंडेंट्स होना चाहिए, इस तरह से 60 to 80 इंडेंट्स होना चाहिए, ये हैकिंग से, डेट इज़ थर्ड वन। जो भी आपका स्लैब रहेगा, जैसे कि स्लैब रहेगा, स्लैब का सरफेस कॉन्क्रीट जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा स्लैब के, जैसा कि स्लैब है, यहाँ पे सरफेस है, स्लैब का सरफेस है, तो इसको भी पूरों को हैकिंग करना पड़ेगा आपको पूरा, वे विद हेल्प ऑफ द ब्लेड से या फिर हैमर से उसको सबको हैकिंग करना पड़ेगा। स्लैब है, बीम रहेगा या फिर लेंटल रहेगा, छज्जा रहेगा, कॉलम्स रहेगा, सबको आपको हैकिंग करना है, डेट इज़ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ऑल सरफेस वेयर स्प्रिंकल विद द वाटर बिफोर प्लास्टर एंड अप्रूव द बॉन्डिंग एजेंट अप्लाइड ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, जो भी हमारा एरिया है, जैसा कि ब्रिकवर्क का हमारा सरफेस रहे, ब्रिकवर्क है समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ब्रिकवर्क का सरफेस है, जैसा कि ये सरफेस समझ लीजिए वॉल है या ब्रिकवर्क का है या जुड़ा ब्लॉक वर्क का है, इसको क्या करना है विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग वाटर से इसको क्या करना है, स्प्रिंकल करना है, इसको भिगाना है। जो भी दीवार है, दीवार को क्या है, वेटेड करना है विद द हेल्प ऑफ द वाटर से, जितना भी डस्ट रहेगा क्या भी रहेगा वो साफ़ एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको वहाँ पे आपके क्लाइंट है, वहाँ पे क्लाइंट आपको कुछ केमिकल देते हैं प्लास्टर में डाल के करने के लिए, तो वहाँ पे आप बॉन्डिंग, यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्डिंग एजेंट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्डिंग एजेंट का मतलब वहाँ पे जो कुछ केमिकल आता है प्लास्टर के लिए, वहाँ पे प्लास्टर के लिए कुछ जैसे डॉक्टर फिक्सड केमिकल वगैरह होता है प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं, तो केमिकल को ऐड करके भी आप प्लास्टर कर सकते हैं। मगर उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी सरफेस रहेगा स्प्रिंकल विद द वाटर, वाटर से आपको जो भी सरफेस रहेगा उसको क्लीन करना है, अच्छे से आपको वो एरिया को गीला करना है अच्छे से आपको, उसके बाद आप प्लास्टर कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, बिफोर प्लास्टर द इलेक्ट्रिकल पाइप्स वर्क एंड वाटर सप्लाई पाइप्स वर्क शुड बी डन।
प्लास्टर होने से पहले जैसा कि किचन है आपका, किचन में जहाँ पे सिंक आता है, सिंक के पास आपके दो पाइप आएंगे, एक आएगा मोटर का पाइप आएगा, एक आएगा ड्रिंकिंग पर्पस, एक आएगा यूटिलिटी पर्पस किचन के सिंक में। तो वहाँ पे किचन में और आपका किचन हो गया और बाथरूम हो गया आपका बाथरूम में यूटिलिटी में, तो ये सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे भी वाटर सप्लाई लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क, जैसे कि आपका रूम है, बेडरूम है, किचन है, सब जगह पे आपके पॉइंट्स आते हैं इलेक्ट्रिकल, वो जितना भी उसमें ग्रोइंग वर्क रहता है, कटिंग चिपिंग वर्क होता है, वो प्लास्टर होने से पहले ही वॉल में कटिंग होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स मैं बताया हूँ आपको, ये सभी पॉइंट्स चेकलिस्ट है, ये सभी होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको लिस्ट दिया जाता है, लिस्ट में वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है यस और नो और नॉट एप्लीकेबल, एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, और लास्ट में आपको देता है वहाँ पे रिमार्क बोल के। तो ये आपको लिस्ट में दिया जाएगा यस, जैसा कि ये वॉज द मटेरियल टू बी यूज इन प्लास्टर टेस्टेड, और आपने आपके सीनियर इंजीनियर को चेक किया क्या नहीं किया, यस है तो आप इसको नीचे राइट का मार्क देंगे, नो है तो नो कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, सरफेस ऑफ विच प्लास्टर टू बी क्लीन, क्लीन है यस कर देंगे इस तरह से, नो है तो नो कर देंगे, सॉरी यहाँ पे नो है, नो है तो वहाँ पे नो कर देंगे, यस है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नो है तो नो कर देंगे। अगर नॉट अप्लीकेबल रहा है, जैसा कि यहाँ पे ऑल सरफेस शुड बी स्प्रिंकल विद दी वाटर, वाटर डाला है तो डाला है, नॉट अप्लीकेबल, जैसा कि यहाँ पे बॉन्डिंग, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल सरफेस एंड अप्रूव दी बैंडिंग एजेंट, वाटर जैसा कि मैं आपको बोला हूँ वाटर प्रूफिंग के लिए डॉक्टर केमिकल लेते हैं, अप्लाइड करा है तो यहाँ पे अप्लाइड, यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाइड किया है तो यस बोल लिख सकते हैं, नॉट अप्लाइड बोलते हैं यहाँ पे यस मार सकते हैं आप, रिमार्क में बोलते हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहा, कुछ सरफेस सही नहीं है, क्या भी रिमार्क है तो यहाँ पे आप रिमार्क यहाँ पे लिख सकते हैं थे। तो ये थी जो टॉपिक थी हमारी, वो थी चेकलिस्ट फॉर द प्लास्टर बिफोर प्लास्टर, चेकलिस्ट प्लास्टर के बारे में थी, बिफोर प्लास्टर से पहले हमें कौन सी चेकलिस्ट थी, यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लिखा हूँ, पूरा डिटेल्स लिखा हूँ यहाँ पे, आप देखिए आप किस तरह से यहाँ पे डिटेल्स लिखा हूँ। तो चेकलिस्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा ड्यूरिंग प्लास्टर चेकलिस्ट, ड्यूरिंग के टाइम पे प्लास्टर करते टाइम पे कौन से चीज़ों को देखना चाहिए, कौन से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, कौन से चीज़ को उस तवज्जो देना चाहिए, वो बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में केयर करना चाहिए। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत टाइम लगता है एक वीडियोज़ के लिए, शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, न्यू वीडियोज़ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर सेल्फ, इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट यू कैन स्क्रीनशॉट आल्सो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।